दीवार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के तत्वावधान में अधिवक्ताओं ने गाजियाबाद प्रकरण को लेकर कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। गाजियाबाद के जिला जज का स्थानांतरण किए जाने और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई। अधिवक्ता मंगलवार को बार एसोसिएशन गाजियाबाद एवं उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति के संयुक्त आह्वान पर जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए डीएम कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान कहा गया कि गाजियाबाद में जनपद न्यायाधीश के इशारे पर अधिवक्ताओं पर पुलिस से लाठीचार्ज करने वाली घटना को लेकर अधिवक्ताओं में भारी रोष व्याप्त है। कहा गया कि पारित प्रस्ताव के मुताबिक जब तक गाजियाबाद के जनपद न्यायाधीश का स्थानांतरण नहीं किया जाता तो दोषी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत नहीं किया जाता, तब तक अधिवक्ता हड़ताल पर रहेंगे। इस मौके पर डीएम की अनुपस्थिति में अपर जिलाधिकारी प्रशासन गुलाब चंद और अपर नगर मजिस्ट्रेट संतराम पावार को संयुक्त रूप से एक ज्ञापन भी दिया गया। राज्यपाल उत्तर प्रदेश को संबोधित ज्ञापन के माध्यम से मांग उठाई गई कि गाजियाबाद के जनपद न्यायाधीश का स्थानांतरण किया जाए, अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों पर मुकदमा पंजीकृत किया जाए। ज्ञापन के माध्यम से ये भी मांग उठाई गई कि सरकार तत्काल प्रभाव से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करे ताकि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लग सके। प्रदर्शन और ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के अध्यक्ष प्रदीप सिन्हा उर्फ बबली ने बताया हमारा एक ज्ञापन दिया गया है, किस मुद्दे को लेकर? ये जो आज हमने ज्ञापन दिया है गाजियाबाद में जनपद न्यायाधीश द्वारा हमारे कोर्ट रूम के अंदर अधिवक्ताओं पे लाठीचार्ज कराया गया, गंभीर चोटें आई अधिवक्ताओं के और उनका व्यवहार पूर्णतया निंदनीय है। उन्होंने इस तरीके से व्यवहार किया जिस तरीके से एक अंग्रेजों के जमाने में सिपाही इस तरीके का कृत्य किया करता था, उनका ये कृत्य बहुत निंदनीय है। इस संबंध में मुरादाबाद बार एसोसिएशन के समस्त अधिवक्ता आज हड़ताल पे हैं और जब तक गाजियाबाद बार एसोसिएशन हमसे इस बात के लिए समर्थन मांगेगी हम उनको समर्थन देंगे। और हमारी ये मांग कि जब तक जनपद न्यायाधीश का निलंबन ना हो और उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो जब तक इसके संबंध में पूरा उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता आंदोलित रहेंगे। हमारी यह भी मांग है कि पुलिस वालों ने जो लाठीचार्ज किया है उनके खिलाफ मुकदमा कायम कराया जाए और मुकदमा कायम करा के उनकी गिरफ्तारी की जाए। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अधिवक्ता जो है वो संघर्ष में है। आज जो न्यायालयों का व्यवहार है हमारे अधिवक्ताओं के प्रति वो बहुत निंदनीय है। हमारे साथ जो बर्ताव किया जाता है जबकि बिहार कोर्ट ऑफ हम लोग कोर्ट के ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है उसके बाद भी हमारे साथ ये व्यवहार होता है, इसलिए हम लोग संघर्ष में हैं और आखिर तक हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। इस संबंध में हमने आज ज्ञापन दिया है। ज्ञापन किसको संबोधित है? ज्ञापन जो है राज्यपाल को संबोधित है और हमने डीएम साहब के माध्यम से ये राज्यपाल को भिजवाया है। जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और एक मांग हमारी बहुत दिनों से चली आ रही है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, उसको भी तुरंत लागू किया जाए। अगर वो लागू हो जाता है तो इस तरह की कार्रवाई बंद हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। तो हमारी इन मांगों को पूर्णतः से गवर्नमेंट से हाईकोर्ट से हमारा ये निवेदन है कि इस पर तुरंत कार्रवाई हो और इन लोगों के खिलाफ उचित निर्णय लिया जाए। इस दौरान सचिव अभिषेक भटनागर, पूर्व अध्यक्ष आदेश श्रीवास्तव, अशोक सक्सेना के अलावा आनंद मोहन गुप्ता, त्रिलोक चंद दिवाकर, उबेदुर रहमान, हाजी मोहम्मद आमिल, साथ ही पुष्प कुमार यादव, आदिश कुमार जैन, अरविंद कुमार सक्सेना, विजेंद्र सिंह, मयंक शर्मा, शरीफ अहमद, मुख्तार अहमद, मोहसिन खान, सुनीता, नेहानाज, नासिर हुसैन, शाइस्ता परवीन और राजीव चौहान सहित भारी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के कड़े प्रबंध किए गए। जुलूस के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा।